प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इस साल का पहला और 11वां किस्त कब आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को ई केवाईसी करना होगा या नहीं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी करेंगे तो ही पैसा आएगा या केवाईसी नहीं करेंगे तो पैसा आएगा या नहीं, ये सारे सवाल किसानों के मन में उठ रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में इन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इस साल का पहला और 11वां किस्त आने में क्यों विलम्ब हो रहा है, और RFT FTO का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में आप लोग को हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 11वां किस्त आने में क्यों विलंब हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट आने के लिए बहुत सारे रीजन है, आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सभी किसानों को ई केवाईसी करना अनिवार्य है। किसानों को ई केवाईसी करने के लिए 31 मई 2022 तक समय दिया गया है। इस समय के बीच सभी किसानों को ई केवाईसी करना जरूरी है। जिन किसानों की ई केवाईसी नहीं होगी, ऐसे किसानों को आने वाले इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाएंगे। भारत सरकार द्वारा सभी किसान भाइयों को ई केवाईसी करवाया जा रहा है, इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 11वां किस्त आने में विलंब हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट न आने का दूसरा रीजन यह है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट ना आने का तीसरा रीजन यह है कि RFT अप्रूव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। शायद इन्हीं कारणों की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी यहाँ पर दूसरे पॉइंट की शुरुआत करते हैं। दूसरे पॉइंट में मित्रों, आप लोग के 4 डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, जैसे कि वेटिंग फॉर अप्रूव बाय स्टेट, दूसरा RFT, तीसरा पेमेंट प्रोसीड, चौथा FTO। मित्रों, पहले पॉइंट की यहां पर शुरुआत करते हैं, वेटिंग फॉर अप्रूव बाय स्टेट। कभी कभी आप लोगों ने इस तरह का स्टेटस देखा ही होगा, जब आप लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर विजिट करने के बाद, बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद, आप लोगों ने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देखा होगा वेटिंग फॉर अप्रूव बाय स्टेट। इसका क्या मतलब होता है? जब भी भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट भेजना होता है, तब राज्य सरकार को आदेश दिया जाता है किसानों का डेटा वेरीफाई किया जाए। किसानों का डेटा वेरीफाई करने में 10 से 15 दिनों का समय लगता है। जब राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर किसानों का डेटा वेरीफाई किया जाता है, इस समय के दौरान आप लोग को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में यही स्टेटस शो होगा, वेटिंग फॉर अप्रूव बाय स्टेट। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं, RFT साइन बाय स्टेट फॉर 10 इंस्टॉलमेंट। RFT का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर। जब भी मित्रों आप लोगों ने पेमेंट स्टेटस चेक किया होगा, तो कभी कभी आप लोग को इस तरह से स्टेटस देखने मिला होगा। मित्रों, इसका पूरा मतलब क्या होता है? जब भी राज्य सरकार द्वारा 10 से 15 दिनों तक किसानों को डिटेल जांच किया जाता है, जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अपने अपने राज्यों के किसानों की फाइल भेजती है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों के सारी डिटेल को वेरीफाई कर लिया है, अब किसानों को पेमेंट रिलीज किया जाए। यानी राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट रिलीज करने के लिए भारत सरकार को यहाँ पर आग्रह करती है, हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर सभी किसान भाइयों का डिटेल वेरीफाई कर लिया है। इस समय के दौरान आप लोग को मित्रों आपके पेमेंट स्टेटस में इस तरह से स्टेटस शो होगा, RFT साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पेमेंट प्रोसीड। इसका क्या मतलब होता है? किसानों को डिटेल वेरीफाई करने के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार को फाइल सौंपती है, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जांच पूरी हो जाती है, उसके बाद किसानों को 15, 10 या 5 या 2 दिनों के अंदर पेमेंट रिलीज करना होता है। इस समय के भीतर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्रोसीड का ऑप्शन शो होता है। जब भी मित्रों आप लोग को इस तरह से ऑप्शन शो होता है, तो आप लोग को 5 से 15 दिनों तक वेट करना है, उसके बाद आप लोग को आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह का स्टेटस भी देखा ही होगा, FTO यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर।
मित्रों, जब भी आप लोग का पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग को एफटीओ का ऑप्शन आ जाता है तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होता है। जब आप लोग का दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है RFT साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जब भी आप लोग आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे उस दौरान आप लोग को इस तरह से स्टेटस शो होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को हर हाल में पेमेंट रिलीज होना ही होना है। इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आशा करता हूँ मित्रों आप लोग को हमारे उसे बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या कन्फ्यूजन या सुझाव होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे ओर से अपलोड किए जाने वाले वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।